ने एक जॉइंट कंक्लूजन दिया है और उनके कंक्लूजन के मुताबिक बच्ची 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी उन्होंने लिखा है करीब तरीन 15 के। पहले ये बच्ची जिससे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मैं 18 की हूँ, और पहले जो एक इम्प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आई थी जो इसको 17 की प्लेस कर रही थी, जो उसके 18 के क्लेम को सपोर्ट कर रही थी, अब उस बयान की भी नफ़ी हो गई है, उस पहली मेडिकल रिपोर्ट की भी नफ़ी हो गई है। वालदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायद कर दी है। ये हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। और चूँकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवस्सुस से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वर्गला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़े हैं। 16 साल की बच्ची का, से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कानून बहुत वाज़े हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिंसी रिश्ता आप कायम करेंगे वो सिवेयर सेक्शुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है, जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बग़ैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है। आज मेरे ख्याल में सिंध की तारीख के सबसे बड़ा जो मेडिकल बोर्ड बना है 10 डॉक्टरों का, उन्होंने हतमी राय दे दी कि बच्ची 15 के करीब तरीन है। तो इसके बाद मैं तवक्को करूँगा कि कल इसी वक्त 24 घंटे गुजरने से पहले सिंध पुलिस की गिरफ्त के अंदर ज़हीर अहमद होगा, जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, आईओ साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की।